कांग्रेस के नेता मुकुल रॉय के बारे में बड़ी जानकारी सामने आई है। कहा जा रहा है कि वो सोमवार देर रात दिल्ली पहुंच गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले खबर थी कि मुकुल रॉय लापता हो गए हैं। उन्हीं के बेटे शुभ्रांशु रॉय ने दावा किया था कि उनके पिता लापता हैं, वो दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। इसे लेकर परिवार की तरफ से एयरपोर्ट पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी। वहीं अब खबर है कि मुकुल रॉय दिल्ली पहुंच गए हैं, वो बिना किसी को बताए दिल्ली पहुंचे हैं। इससे पहले सोमवार रात टीएमसी के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय के बेटे ने अपने पिता के लापता होने की बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि उनके पिता सोमवार की शाम से ही नहीं मिल रहे हैं। बेटे शुभ्रांशु रॉय ने दावा किया था कि सोमवार की शाम को उनके पिता को कोलकाता से दिल्ली की इंडिगो फ्लाइट लेनी थी। फ्लाइट रात को 9:55 पर दिल्ली लैंड हो गई है, लेकिन उनके पिता के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। पूर्व रेल मंत्री के बेटे शुभ्रांशु ने पीटीआई भाषा को बताया था कि उनके पिता का सोमवार देर शाम से कुछ पता नहीं चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि वो अब तक अपने पिता से संपर्क करने में असमर्थ हैं। इसे लेकर परिवार ने एयरपोर्ट थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। हालांकि पुलिस सूत्रों ने कहा था कि उनके पास कोई भी औपचारिक शिकायत नहीं मिली है। वहीं आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि रविवार को पिता पुत्र के बीच कुछ बहस भी हुई थी। बता दें कि अपनी पत्नी की मौत के बाद से मुकुल रॉय लंबे समय से बीमार भी चल रहे हैं। हाल ही में फरवरी के महीने में वो अस्पताल में भी भर्ती हुए थे। आपको बता दें कि मुकुल रॉय एक समय में टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद सबसे बड़े नेता माने जाते थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व से मतभेद के बाद वो 2017 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। मुकुल रॉय ने बीजेपी के टिकट पर 2021 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव भी जीता था, लेकिन बीजेपी ये चुनाव हार गई थी और इसके बाद मुकुल रॉय अपने बेटे शुभ्रांशु रॉय के साथ टीएमसी में दोबारा शामिल हो गए थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सांसद अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में पिता पुत्र ने टीएमसी ज्वाइन की थी। टीएमसी में मुकुल रॉय का कद कभी ममता बनर्जी के बाद दूसरे नंबर पर हुआ करता था। उन्होंने टीएमसी छोड़ी तो बीजेपी का दामन थाम लिया। वो 1998 से ही बंगाल की राजनीति में है। मुकुल रॉय का नाम नारदा सिंह केस में भी आया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में यूथ कांग्रेस में हिस्सा लिया था। उस दौर में ममता बनर्जी भी यूथ कांग्रेस में ही थी, तभी से मुकुल और ममता के बीच राजनीतिक करीबियां बढ़ गई थी। अपने पिता के पीछे पीछे ही उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी ने शुभ्रांशु को टिकट दिया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। वहीं आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में टीएमसी नेता के गायब होने की खबर से हड़कंप मच गया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि मुकुल रॉय ने कोलकाता एयरपोर्ट पर दो दिग्गजों से मुलाकात की थी। वो कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे थे, उसके बाद वो कहां गए ये किसी को भी नहीं पता है। हालांकि अब खबर है कि मुकुल रॉय देर रात दिल्ली पहुंच गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।